हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उदय। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लगभग क्या पूरे हॉस्पिटलों में यूज होते हैं। जिस उस मशीन का नाम है सक्शन मशीन, सक्शन मशीन या सक्शन पंप। सक्शन मतलब होता है किसी भी तरल पदार्थ को खींचने की क्षमता जिसमें होती है उसे सक्शन मशीन, यानी सक्शन मशीन के तहत उसको खींचा जाता है। उस मशीन का यूज हम वहाँ करते हैं जैसे किसी को जब बच्चा डिलीवर होता है उस समय गंदा पानी ले लेता है उस दौरान, या कोई जहर खा लिया है उस दौरान, या किसी के नाक से या मुंह से ब्लीडिंग आ रही है उस दौरान, जो है उस मशीन का हम यूज करते हैं। जी वो मशीन यही मशीन है जिस मशीन को जो है कि सक्शन मशीन या सक्शन पंप बोलते हैं। इस सक्शन मशीन के मैं कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं पूरे विधिवत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये मशीन जो है कि लाइट से चलती है, यानी इलेक्ट्रिक पंप इसमें लगा हुआ हो है इस मशीन में। और ये जो आप पाइप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सक्शन पाइप। और दो एक जार जो देख रहे हैं आप, जो ये दो जार आपको दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं कलेक्शन जार, जो अपने अंदर कलेक्ट करने की क्षमता होती है इसमें, इसीलिए कलेक्शन जार हो। और इसमें आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, एक जार से दूसरे जार में कनेक्ट है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग ट्यूब। और आपको एक छोटा सा जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये फिल्टर होता है। फिल्टर इसलिए होता है कि जब हम किसी तरल पदार्थ को इस पाइप के माध्यम से खींचेंगे तो ये जार में जाएगा, इस जब जार में जाएगा तो ये जार पूरा भर जाएगा, तो फिर दूसरे जार में आने लगेगा। जब दूसरे जार में आने लगेगा तो इस दूसरे जार से इस मशीन में अंदर जो पंप लगा हुआ है उसमें कोई मॉइस्चर न जाने जाने पाए, इसलिए यहाँ पे फिल्टर लगाया गया है। अच्छा, आपको ये पीला सा उसमें गेट जैसा दिखाई दे रहा है उसको वाल्व बोलते हैं। वो वाल्व का काम ये है कि जैसे ये जो जार है पूरी तरीके से भर जाता है तो दूसरे में आकर भरने लगता है। जब इसमें भरने लगता है तो वो जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, इस पाइप में अंदर ना जाने पाए, इसलिए ये गेट जाकर के ऊपर चिपक जाती है, यानी कि मशीन का वर्क बंद कर देती है। और इसमें जो पंप लगा होता है वो एक विशेष प्रकार का पंप होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। वो ½ HP की होती है, ½ HP की मोटर होती है। और देखिए इसमें जो आपको ये वाल्व दिखाई दे रहा है इसको कंट्रोलर वाल्व बोलते हैं, क्योंकि यही पूरे मशीन को कंट्रोल करता है, वैक्यूम कंट्रोलर बोलते हैं इसको। ये जो आपको घड़ी दिखाई दे रही है ये वैक्यूम क्लॉक है, वैक्यूम घड़ी बोलते हैं। इसमें ये स्विच आप ऑन की एक स्विच आपको दिखाई दे रही होगी, फ्यूज भी लगा है इसमें। उसके बाद फ्यूज अगर जल जाता है तो उसके लिए इंडिकेशन लगाया गया है, फ्यूज इंडिकेशन भी है। एक पावर के लिए, लाइट के लिए जैसे इसमें है बल्ब बल्ब लगा हुआ है। जब ये मशीन अपने वर्क काम करने लगेगी उसके दौरान जो है कि ये हरी लाइट जलेगी, उसके लिए एक अलग से इंडिकेटर इसमें लगाया गया है, इंडिकेट वो बताने लगा कि हाँ मशीन हमारा काम करने लगा है। ये इसमें देखिए ये कलेक्शन होल्डर है ये, जो क्योंकि ये जार को कलेक्ट किया हुआ है इसलिए कलेक्शन होल्डर इसको बोलते हैं। और इस पे जो रखा हुआ है ये जार उसको कलेक्शन बेस बोलते हैं, क्योंकि कलेक्ट किया हुआ वो बेस है, उस बेस पे ये रखा हुआ है जार को। अब ये तार है, ये तार को जब हम लाइट इसमें देते हैं तो लाइट जब देंगे तो ये लाइट जो है कि पावर जो लिखा हुआ है इसमें लाइट आ जाएगी, हमारी लाइट देखिए अब आ गई, यानी कि इसमें लाइट हमारा आ गया इस मशीन में। जब मशीन में जब लाइट आ गई है जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये जो हरी वाली लाइट है वो जलने लगेगी, इसके मतलब कि मशीन वर्क करने लगा। जैसे देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, जब ऑन किया तो मशीन ये काम करने लगी, यानी कि ये हरी लाइट जल गई है। अब देखिए मैं आपको मेन महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ कि ये मशीन जो है कि इसकी क्षमता जो है कि 760 mmHg प्रेशर है इसमें, यानी कि इतने कैपेसिटी से अपने अंदर खींचेगी। लेकिन ये मशीन को जो है कि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रेशर पर हम यूज करते हैं, जैसे NICU हो गया, NICU में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम उतने HP पर हम रख नहीं सकते हैं। छोटे बच्चों का जो है कि 80 से लेकर 90 mmHg प्रेशर ही हम निर्धारित करके रखते हैं, और एडल्ट के लिए 100 से लेकर 120 mmHg। हाँ, OT के लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं, OT में 300 से अब जाते हैं,
ओटी में इसलिए 300 से अबव जाते हैं ताकि वहाँ पे सर्जरी की जाती है, वहाँ पे क्लाट ब्लड आता है, वहाँ पे ज्यादा जल्दी से खींचना होता है तरल पदार्थ को, ब्लड को, तो इसलिए खींचने के लिए वहाँ पे 300 से अबव HG पर इस मशीन को रखते हैं। अब मेन ये बात है कि हम इसको रखें तो कैसे कैसे वर्क कैसे हम करते हैं, इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो ये पंप होता है, ये पाइप जो दिख रहे हैं, पाइप को पहले हम इसको दाब लेते हैं। दाबने के बाद से जब हम मशीन को ऑन कर लेते हैं, मशीन जब हमारी चल रही है, जब चल रही है तो ये जो घड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये घड़ी ही मेन प्रेशर ही बताती है, यानी कि इस समय ये घड़ी का जो है कि हमारा 500 तक आ गया है, यानी कि 500 पर ये फिक्स किया गया है। मान लीजिए हमको NICU में यूज करना है, NICU में यूज करने के लिए हमको जो है कि 80 से लेकर 90 mm HG पे ही चाहिए, तो उसके लिए जो है कि हम इसको एंटी क्लॉक वाइज हम इस कंट्रोलर को घुमाते हैं, ये वैक्यूम कंट्रोलर है। जब इसको हम घुमाएंगे तो देखिए ये जो है कि हम इस पर निर्धारित करेंगे दाब करके कि 80 पा गए, देखिए अब हमारा ये 80 पा गया है, यानी कि हमारी ये न्यू नेट के लिए हमारा ये फिक्स हो गया, यानी कि न्यू नेट में हम इससे हम काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब एडल्ट में यूज करना है तो हमको 100 से 120 तक चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इसको दाबेंगे, दाबने वाइज इसको क्लाक वाइज हम घुमाएंगे, क्लाक वाइज जब घुमाएंगे तो देखिए उस पर जा करके हमारा 120 पे जहाँ रुक जाएगा यानी कि उतना हमारा सेट हो गया। अब देखिए मैं क्लाक वाइज घुमाते जा रहा हूँ, यानी कि 120 पे आकर हमारा रुक गया, यानी कि एडल्ट के लिए हमारा ये फिक्स हो गया। ऐसे ही हम जितने प्रेशर के हमें जरूरत है उतना प्रेशर हम पहले से बना लेते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है। जैसे हमको न्यू नेट में यूज करना होता है बच्चों में, बच्चा जो है पैदा होते ही गंदा पानी ले लेता है, तो उसको निकालने के लिए हम जो है कि ये फीडिंग ट्यूब होता है, फीडिंग ट्यूब को हम लगाते हैं। लगाने के बाद से जो है कि जैसे हम आपको जो है कि एक एग्जांपल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ कि किडनी ट्रे में NS ले रखा हूँ, उसको मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। अब देखिए जो हमारा जो कि अभी एडल्ट पर मैं जो सेट किए थे 120 पे उतने पे सेट है, अब देखिए इस तक कर रहा है, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, जैसे न्यू नेट में हो गया, सांस नली में उसके म्यूकस जमा हो गया, ब्लड आ गया है, तो हम नाक और मुंह के माध्यम से उसको जो कि हम सब करके निकाल लेते हैं। इस मशीन का आप लोगों ने उपयोग देख लिया, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।